चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मोबाइल इज 60% चार्ज्ड। सो दोस्तों, आज का टारगेट होगा कि भुवनेश्वर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द रोड कंडीशन। अगर रोड कंडीशन ऐसा रहा तो इजीली आई कैन डू भुवनेश्वर। आई थिंक इट अराउंड भुवनेश्वर अराउंड 800 किलोमीटर होगा, तो देखेंगे। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, फास्टैग इज अ ब्लिस, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी कैश एनी थिंग, जस्ट रिचार्ज योर फास्टैग विथ एनफ मनी फॉर अ ट्रिप लाइक दिस। आई वुड रिकमेंड टू रिचार्ज फॉर 5,000 rupees एंड लीव इट एंड फॉरगेट इट, दैट्स इट। यू डोंट इवन हैव टू रोल डाउन योर विंडो। Sometimes at some toll gate it takes time, so they will do it manually, no problem. You have to wait maybe for 30 seconds or 1 minute, most max to max, that's it. So let's see, aaj ka target hai Bhubaneswar. Road agar aisa hi hai, toh it can be done easily. To dekhte hain. So let's start, guys. Fasten your seatbelt. सो राजमुंड्री विजयवाड़ा भुवनेश्वर स्ट्रेट। टाइम हो गया है 11:13 और हम पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं राजमुंड्री। सब बढ़िया चल रहा है, एकदम बिंदास। रास्ते में रुके थे आई थिंक हाफ एन आवर पहले, एक आई थिंक 45 मिनट्स का ब्रेक लिया, पानी वानी पिया, थोड़ा जूस जूस पिया, केक वेक तो सुबह खा लिया था। फिर लंच में क्या खाएंगे, फिर क्या खाना है, कुछ जो ऑप्शन है मेरे पास उसमें से कुछ सेलेक्ट करूँगा। टंकी भी खाली कर लिया आराम से, सो नाउ नो टेंशन नो प्रॉब्लम, आराम से भुवनेश्वर तक जा सकते हैं। बट देखते हैं भुवनेश्वर तक पहुंच पाता हूं या नहीं, कितना टाइम लगेगा। और दोस्तों, ट्रेन से आप जाते होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा राजमुंड्री का ब्रिज। आई थिंक ये गोदावरी है या कृष्णा है, ये मुझे मालूम नहीं, गूगल मैप्स भी नहीं दिखा रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत है, ट्रक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। ये जाने वाला ब्रिज पुराना ब्रिज है, वो वाला नया ब्रिज है। अच्छा है नेशनल हाईवे 16, बट नॉट एवरीवेयर। फ्यू स्ट्रिचेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यू टोल गेट्स आर वेरी नैरो, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रक्स का जाम लग जा रहा है। और लॉकडाउन है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। नॉर्मल डे में जैसा रहता है उतना ट्रैफिक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ट्रैफिक में। रश नहीं करना है, आराम से जाना है, ईजी जाना है। टाइम बहुत है अपने पास, सफिशियंट टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। फ्राइडे भी पहुंचेंगे तो नो प्रॉब्लम। फिर चलते रहिए, देखते रहिए वैंडरर K2। सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बस, मैं ये बस के बारे में बात कर रहा था। वेस्ट बंगाल का बस है, आई थिंक मे बी कोलकाता के आसपास का होगा। दिस बस इज कैरिंग ऑल माइग्रेंट लेबरर्स। ऐसे बस और भी आ रहे हैं, सब वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। सो ऑल दिस बसेस आर गोइंग टू वेस्ट बंगाल। तो अभी भी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो रोड पे हैं, जो चल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू रीच देयर नेटिव। बैंगलोर से अब तक
टोटल हो चुका है 935 किलोमीटर्स। विशाखापट्टनम इज एग्जैक्टली 1000 सम चेंज किलोमीटर्स, 1000 के ऊपर है। रोड पे बहुत व्हीकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है। इट्स नॉट दैट फ्री रोड ऑल्सो। ओके, तो टाइम फॉर लंच, लंच खाते हैं। देखते रहिए, दिखाता हूँ आपको क्या खाऊंगा मैं लंच में, क्योंकि बोला था ना कि बाहर से नहीं खाने का, कुछ भी नहीं खाने का। और ये जगह देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है आसपास। आई एम ऑल अलोन। तो लंच को रेडी करता हूँ। दोस्तों मैं खाने जा रहा हूँ, देखिए ये है पोहा, चूड़ा बोलते हैं इसको, और ये है कर्ड, और ये है चीनी। अरे टिश्यू पेपर कहाँ भाग रही हो? What I'll do, I'll put some water, basically I'll wash it, तो ये soft हो जाएगा। अच्छा भी है, हाइजीनिक भी है, सिंपल भी है और फुलफिलिंग भी है। अभी इसमें डालने का कर्ड। एकदम मस्त मलाई वाला मिल्की मिस्ट का कर्ड। अभी इसमें डालूंगा मस्त शुगर। पिकल के साथ, वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा भाई। दही चूड़ा अपना बिहार में बहुत फेमस है, बिहार का सुप्रसिद्ध। तो दोस्तों लंच हो गया, दही चूड़ा अपना बिहारी स्टाइल में बोलिए तो, और लक्की एंड कर्ड, अच्छा था, पेट फुल हो गया। टाइम हो गया है 2:15 और विशाखापट्टनम अभी और यहाँ से 100 किलोमीटर्स है, और आई थिंक रोड्स आर गुड अप टू विशाखापट्टनम। तो एक 15-20 रेस्ट करेंगे एंड आई स्टार्ट। इज अनदर 71 किलोमीटर्स। Finally, after driving 1078 kilometers, I have reached Visakhapatnam, Vizag city. And बहुत ज़्यादा traffic है भाई, बहुत ज़्यादा traffic है। लॉकडाउन है तब इतना ट्रैफिक है, दोनों नॉर्मल डेज में क्या होता होगा।
वेलकम बैक, सो फार सो गुड। नाउ पार्क द कार एट अ पेट्रोल बंक, आई एम गोना स्लीप नाउ। टाइम इज 2 AM। सो आज का दिन सबसे ज़्यादा टायरिंग भी था और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर किया, सबसे ज़्यादा ड्राइव किया आज, उसका फ़ायदा भी हुआ। कल सुबह आई हैव टू स्टार्ट एंड आई हैव टू कवर ओनली 450 किलोमीटर, तो कल का दिन ईजी होगा, आराम से पहुँच जाएंगे। खाना वाना सब रास्ते में खा लिया था, कुछ शूट नहीं किया। बहुत बारिश हो रहा था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आज 6-7 घंटा बारिश में ही ड्राइव किया हूँ, उसके कारण भी स्पीड कम हो गया। तो अभी देखिए 2 बज गया, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। कल का दिन होगा लास्ट डे, दैट्स इट, देन आई विल रीच माई डेस्टिनेशन। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओडिशा। यस, आई एम इन ओडिशा। लास्ट नाइट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई हैव रीच्ड ओडिशा। आई टोल्ड एवरीथिंग दैट आई रोड दिस मेनी किलोमीटर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मैं बताना भूल गया कि मैं ओडिशा में हूँ। तो मैं कटक, भुवनेश्वर सब क्रॉस करके दिस रोड गोज टू, मैं हाईवे के बगल में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल बंक है, इट्स ए कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड पेट्रोल पंप। उधर काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, उधर गाड़ी पार्क करके मस्त सोया हूँ, अराउंड 4 आवर डीप स्लीप, अच्छा सोया। बीच में थोड़ी देर के लिए उठा था गाड़ी का एसी ऑन, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, एसी चलाने के लिए, बाकी मस्त सोया। तो दिस रोड गोज टू वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ये कोलकाता जाता है, संबल, नॉट संबलपुर, भद्रक, यस। देन समवेयर देयर इज अ डाइवर्सन विच गोज, विच वी हैव टू टेक अ डाइवर्सन एंड इट विल गो टूवर्ड्स धनबाद। टाइम इज जस्ट 5:45 एंड इट्स फुल सनी। और आज लाइफ इन TUV का लास्ट डे है, थर्ड डे है, धनबाद जस्ट 450 किलोमीटर से यहाँ से। तो अब उठते हैं और हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और निकलते हैं धनबाद के लिए। सो दिस इज द पेट्रोल बंक वेयर आई पार्क्ड माय व्हीकल लास्ट नाइट, और इधर ही सोया। अब इधर से निकलता हूँ, थोड़ा आगे जाके प्रसन्न अप होएंगे, आँख मुँह धोएंगे, फिर डायरेक्टली टू धनबाद। सो ऑल सेट, ब्रेकफास्ट डन एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट व्यू टुडे। टाइम हो चुका है 8:11, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आराम से जाएंगे और आराम से पहुँच जाएंगे। Superb cloudy weather, anytime it may rain, and drive is also very pleasant. Oh,
welcome back. So after driving 2099, almost 2100. So after driving 2100 kilometer, another 10 kilometer more to add. So after driving 2110 kilometer from Bangalore, I have reached the coal capital of India, Dhanbad city. It was one hell of a drive all the way from Bangalore to Jharkhand, from Karnataka to Jharkhand. Maza aa gaya. As told, not to eat outside, not to stay outside, just for fuel, that's it. And I have done it. So dosto, kafi maza aaya 2100 kilometer drive karke, aur finally main pahunch chuka hu Dhanbad city, aur 9 kilometer jana hai apartment tak, utna hi. And jaise jo maine plan kiya tha, sab kuch uske mutabik hi hua. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, सब मैनेज हो गया. एंड नॉट मच टायर्ड ऑल्सो, द बेस्ट पार्ट. टुक डीजल फॉर 10K, अनदर 250 किलोमीटर आई कैन गो, स्टिल आई कैन गो अनदर 250 किलोमीटर्स. सो इट्स नाइस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेड इट सक्सेसफुली. वेरी हैप्पी. सो दैट्स इट from this trip guys. So acha lage to video ko like kariye, subscribe kariye, share kariye aur comment zarur kariye. Isi ke sath fir milenge agle video mein. Tab tak ke liye bye bye, take care.